10 मार्च है, फ्राइडे का दिन है और 4:45 बज रहे हैं इस वक्त। मैं पैटरसन न्यू जर्सी में यहाँ आया हूँ। आज मेरा इरादा है कि एक लैपटॉप परचेस किया जाए। एक लैपटॉप चूँकि पाकिस्तान से लाया था वो इस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर है, कुछ रिपेयरेबल है। आप जानते हैं कि अमेरिका में रिपेयरिंग तो बहुत ही मुश्किल है, यहाँ मिलते ही नहीं है रिपेयर करने वाले, तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, गार्बेज में डाल देना पड़ता है, या अगर रिपेयरर मिल भी जाता है तो इतने पैसे चार्ज करता है कि आप एक नया परचेस कर लें। तो ये न्यू जर्सी में पैटरसन का इलाका है, यहाँ माइक्रो सेंटर के नाम से ये है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर ये माइक्रो सेंटर के नाम से। इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक की तमाम चीज़ें यहाँ पर दस्तियाब हैं, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ये हमारे घर के करीब ही है, यहाँ से काफ़ी यहाँ स्टोर्स हैं यहाँ पे। तो ये 3.5% सेलटेक्स भी है, ओपन संडे है, नाउ हायरिंग है, यहाँ आप एम्प्लॉइज़ की भी ज़रूरत है इसलिए लिखा हुआ है कि हायरिंग है। ये माइक्रो सेंटर है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल है। दिगर भी यहाँ पे शॉप्स हैं देखें तो ये कि अभी उस तरफ जा रहा हूँ मैं, सेंटर में आपको दिखाता हूँ। देखें कोई अगर पसंद आ जाता है, मेरी रेंज जो है वो तकरीबन $400 तक की है कि भाई इस हिसाब का अगर मिल जाए। वैसे तो यहाँ पे बहुत कॉस्टली भी है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई मिल जाए तो परचेस कर लेता हूँ मैं। चलें तो फिर मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। बहुत बड़ा सेंटर है माशाल्लाह, देखें बहुत अच्छे अच्छे जदीद तरीके के ये है। अभी तो मैं आपको वहाँ लैपटॉप की तरफ नहीं गया, वहाँ ले जाऊँगा। ये तो मैं मॉनिटर वगैरह बता रहा हूँ जो आपको देखने जैसे है सारे, और स्टोर भी बहुत हर चीज़ है। ये प्रिंटर का सेक्शन है, तो प्रिंटर यहाँ पर है और टेलीविज़न का भी सेक्शन यहाँ पर है। देखें ये मॉनिटर माउंट वगैरह यहाँ पर है। सारी चीज़ें ऊपर दी हुई हैं यहाँ पे माशाल्लाह। LED देखें कितने बड़े बड़े पड़े हुए हैं, जहाँ देखेंगे आपको बहुत नई नई चीज़ें मिलेगी। और कंप्यूटर का जदीद सामान अवेलेबल है यहाँ पर, खूबसूरत मॉनिटर, ब्यूटीफुल बेहतरीन मॉनिटर है देखें यहाँ पे। ये देखें कर्व वाले मॉनिटर देखें कि कैसे यहाँ ऐसे ज़बरदस्त। $379 का है, ये $249 का है, इसी तरह ये $129 का है, नहीं सॉरी ये 250 डॉलर सेविंग है, 1299 का है ये दूसरी चीज़ है। ये इसके अंदर सेविंग है $20, $159 का ये। बहुत ही बड़ा सेंटर है ये देखने जैसा है। ये लैपटॉप्स हैं यहाँ पे देखें, ये लैपटॉप्स हैं, कितना खूबसूरत है ये लैपटॉप, ये भी देख लीजिए। ये इसके प्राइजेज यहाँ पे दिए हुए, छोटा है मगर कितना खूबसूरत है ये देख लीजिए, वेरी गुड ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये देखिए $1299। ये दूसरे लैपटॉप देखें,
सरफेस प्रो 9, ये सेक्शन टेबलेट का है। देखिए ये टेबलेट 189, ये $99 की है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब डॉलर में है। ये नोकिया के है ये, माशाल्लाह। वॉचेस इस सब इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस। कंप्यूटर की तमाम एसेसरी की यहाँ पर आपको मिलेगी सारा। ये स्पीकर्स हैं जितने भी, ये देखिए। ये स्पीकर्स रखे हुए सारे। बहुत ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये 229 का बता रहे हैं। ये माइक्रो सेंटर इनसाइडर और ये 229 इसकी प्राइस है। डिस्काउंट भी दे रहे हैं यहाँ पे। और ये 599 का है। मुख्तलिफ डिज़ाइन के हैं, देखिए कितने खूबसूरत। ये है 1299 का। इनका सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। लेनो 14 पॉइंट इंटेल प्लेटफॉर्म लैपटॉप कंप्यूटर ग्रे, और सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। इसकी तफसीलात मैं देखिए थोड़ा जूम करता हूँ, देख रहे हैं। इसकी भी 199 का ये है, और 199 का है, और इसमें सेविंग 140 की है। 199 का देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि मेरा तो 400 तक करेंगे तो ये 400 तक का है पूरा। तो 400 में ये देखता हूँ कि इसमें देखें कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या चीज़ है ये सारी। अच्छा, ये जो है ना सब न्यू है, मगर चूँकि अब लेटेस्ट आ जाते हैं मॉडल तो इसलिए इसकी कीमतें कम हो जाती है। ये सेल नहीं हुए पहले, नहीं लेटेस्ट आ गए इसकी ये कीमतें। ये जो है बिल्कुल न्यू है ये। ये लैपटॉप देखिए इसकी प्राइस 599, और ये सेविंग $110 की सेविंग बता रहे हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें ये है, और इसका 799 का ये है। ये 1499 का है, इसमें सेविंग सेव का कह रहे हैं कि भाई $40। ये 599 का है, $599 का, तो इसको ये रियायत दे रहे हैं $340 की। अब 599 में कॉन्फ़िगरेशन देखें ये चीज़ है, ये वाला लैपटॉप है। ये 749 का बता रहे हैं, और इस पर रियायत दे रहे हैं $340। 749 यानी $750 का ये दे रहे हैं ये ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब देख लीजिए कि मैं अपने उसके बेटे को भी डिस्कस करूंगा दोनों को, क्योंकि वो ज़्यादा नुआव रखते हैं, तो जो इसके बेहतर कहेंगे वो यहाँ से मैं परचेस कर लूँगा। ये 499 का बता रहे हैं इसका। देखिए माशाल्लाह सबके सर वगैरह के सब यहाँ पे रखे हैं। मैं दिल खुश हो जाता है देख के माशाल्लाह कि जदीद टेक्नोलॉजी में कैसा डेवलपमेंट आ गया है।
जनरेशन एक्स जो है 60 और इसके बाद जो पैदा हुए हैं, इन्होंने सारी दुनिया देख ली है, डेवलपमेंट अपने सामने देख लिया है, वो उनको जनरेशन एक्स के नाम से लोग याद करते हैं, जो 1960 से अब तक जो है जिंदा है और पैदा हुए हैं, क्योंकि इनको सब पता चल गया है कि कैसे डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी की। कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ लैंग्वेज ऑफ 21st century, विदाउट लर्निंग इट नो प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी इज पॉसिबल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये है सब। हर तरह की एसेसरीज़ मौजूद है कंप्यूटर की, एवरीथिंग। बहुत बड़ा सेंटर है ये कंप्यूटर का, लैपटॉप का। देखने ये टीवी एंटीना स्कैनर और फोटो प्रिंटर का सेक्शन है, ये टीवी एंटीना स्कैनर और फोटो सेक्शन का ये है। देखिए कितने बड़े बड़े LEDs वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, सैमसंग का है। यानी आप मिनी थिएटर बना सकते हैं इसको बाकायदा। ये देखिए बहुत खूबसूरत, वेरी गुड। 450 की रियायत है इसमें सेविंग। एप्सॉन के ये प्रिंटर है, और ये डेल मॉनिटर है, देखिए डेल के मॉनिटर है। ये लैपटॉप देखिए 269 का लैपटॉप, ₹2,269 का। ये कॉन्फ़िगरेशन पे मैं आपको बता दूँ, ये 679 का है डेल का। पूरा मिनी सिनेमा बन सकता है इतना बड़ा स्क्रीन। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, और बूंदाबांदी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। ठंडा मौसम है, ठंड मगर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो मैंने जैकेट पहना हुआ है। आमतौर पे बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही होती है, मगर है ठंड मगर इतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगे। बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर इसमें नज़र आए हैं, कुछ मैंने नोट भी किए हैं। एक दो और भी डिपार्टमेंटल शॉप्स हैं यहाँ पे कंप्यूटर की, तो मैं उसको भी देख लेता हूँ, फिर एक डिसीजन लेता हूँ कि कोई 400-500 तक का कंप्यूटर परचेस कर लिया जाए। मैंने बताया ना कि यहाँ तो अमेरिका में रिपेयरिंग का तो कंसेप्ट ही नहीं है, बस आप उसको गार्बेज कर दो, रिपेयरर को तलाश करोगे तो फिर वो इतने पैसे चार्ज करेगा, इतने मांगेगा। बिल्कुल एक कभी नया फ्रिज था हमारा, तो वो रिपेयरर को बुलाया तो बोला $50 तो मैं खाली देखने के लूँगा, और वैसे अगर बनाऊँगा तो $250 वो ले लूँगा, $300 का खर्चा खाली रिपेयरिंग का।
तो 250-300 का तो नया मिल जाता फ्रिज यहाँ पे, $250-300 का तो कौन रिपेयर कराए। तो गारबेज में जाके मैं और बेटा खुद टाउन में जाके उसको रख के आए अपनी गाड़ी की में लोड करके, वहाँ या छोड़ना पड़ता खुद ही, या कोई दिन मुकर होता है जब लेने आते हैं, या कोई जगह बच छोटे मोटा तो चीज़ें लेने आ जाते हैं यहाँ पे जैसे सुबह गारबेज लेने के लिए, मगर एक ये बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए ये वक्त देते हैं या जगह बताते हैं कि भाई आप वहाँ जाके ड्रॉप कर दें ये सब चीज़ें, तो फिर वहाँ से आगे ये भेजते हैं। यहाँ हायरिंग के लिए हर जगह लिखा हुआ है कि इनको आदमी चाहिए, क्योंकि जिधर भी जाएंगे वहाँ भी लिखा होगा कि हायरिंग अवेलेबल, बस हर जगह, क्योंकि लोग नहीं मिल रहे काम करने वाले, तो इसलिए कि हर जगह जाएंगे तो आपको यहाँ न्यू जर्सी में $15 से $17 तक पर आवर मिलता है, यहाँ पे एक घंटे की 15 से 17 तक, तो आपको जितने घंटे आवर्स काम करने हैं काम करें। दिन में वैसे 8 घंटे की परमिशन है, पूरे वीक में 40 घंटे कर सकते हैं आदमी काम, और डॉक्यूमेंटेड गवर्नमेंट का रूल ये है। बाकी आप अनऑफिशियली कर सकते हैं अपने देसी भाइयों के साथ काम, वो फिर आपको बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करेगा, वो आपको पेमेंट करेगा, ठीक है ना। वो पेमेंट मकसद है कि फिर वो इतने ज़्यादा नहीं करेगा, $2-4 कम करेगा, और वैसे भी अगर हम $15 से $17 लेते हैं तो $2-2.5 तो टैक्स में कट जाता है, क्योंकि यहाँ सब मिला के 22% 8% 30% तक तो टैक्स है जो कि सबको देना होता है यहाँ पे, और खुशी खुशी देते भी हैं सब लोग, क्योंकि यहाँ इनको फ़ायदे इतने नज़र आते हैं, इतना गवर्नमेंट ख्याल करती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि खुश होते हैं कि भाई यहाँ नहीं कटवाओ टैक्स ज़्यादा, क्योंकि यहाँ असल में रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन है वो उसको टैक्स के हिसाब से बनता है, किसने कितना टैक्स दिया उस हिसाब से स्लैब बनाया जाता है यहाँ पे। वैसे तो 65 एज है रिटायरमेंट की, मगर यहाँ तो 80-80 ईयर्स के लोग काम कर रहे होते हैं, लगता ही नहीं है, बल्कि हम पाकिस्तानी तो अगर जवान आदमी भी उनके आगे बुरा लगता है, ये 80 साल के भी जवान नज़र आते हैं लोग यहाँ के, क्योंकि वर्जिश करते हैं, जिमनाजियम जाते हैं, डाइट का ख्याल करते हैं, असली चीज़ें खाते हैं, इसलिए। चले और तरफ चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।